कैसे हैं आप सर। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइजर मारी डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 16 मार्च 2022 और आज हम देखेंगे कि आज के क्या करंट अफेयर्स है, क्या न्यूज है जो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज सिंपल सरोज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि आपको जो कल है क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था तो उसी को हम देखेंगे आज। क्या है, विच परमार रूलर कंस्ट्रक्टेड भोज तार इन भोपाल, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, उसमें भोज ताज लिखा हुआ था, ये भोज ताल है। ओके, तो किस परमार रूलर ने भोज ताल को कंस्ट्रक्ट किया था जो कि भोपाल में है। आप देख पा रहे इमेज में ये है भोज ताल, इसको किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था, मिहिर भोज, भोज थर्ड, वो राजा भोज फर्स्ट या फिर कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा भोज फर्स्ट, इन्होंने जो है भोज ताल कंस्ट्रक्ट किया था भोपाल में। ओके, ये परमार रूलर है। इतनी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर वन की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि हु इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड एमडी ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है उसके अभी हाल ही में चेयरमैन और एमडी अपॉइंट कर दिए गए हैं, तो वो किसे अपॉइंट किया गया है। तो उनका नाम है रंजीत राथ, इन्हें जो है अपॉइंट किया गया है रंजीत राथ जी को ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन। अब थोड़ा इसके बारे में देख लें कि ऑयल इंडिया लिमिटेड है क्या बेसिकली। देखिए, आप सुने तो बहुत होंगे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन, ये ऑयल इंडिया लिमिटेड क्या है। अब थोड़ा इसके बारे में देख लें, ओआईएल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ये सेकंड लार्जेस्ट इंडियन गवर्नमेंट ऑन कार्बन एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कॉर्पोरेशन है, यानी जो आपका हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन जो होता है वो ये करता है और इसका प्रोडक्शन करता है। ओके, ये वैसी कंपनी है। दूसरा ये कि भाई किसके अंडर में आता है, किसके अंडर में आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में आता है। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर दुलियाजन आसम में है। कहाँ, दुलियाजन आसम में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, बात करने की ये जो कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये मैंने आपको महारत्न नवरत्न जब पढ़ाया था बताया था ना, तो ये नवरत्न कंपनी है, याद रखिएगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो नवरत्न कंपनी है और इसका जो अगर हम बात करें इसका ऑफिस कहाँ पे है, इसका ऑफिस नोएडा उत्तर प्रदेश में है। ओके, नोएडा उत्तर प्रदेश में है और कहाँ पे, गुवाहाटी और जोधपुर में। ठीक है, गुवाहाटी एंड जोधपुर में भी इसका ऑफिस है। अब बात करें कि भाई यहाँ अभी प्रेजेंट की बात करें तो जो ऑयल इंडिया है करंट चेयरमैन और एमडी जो है वो कौन, सुशील चंद्र मिश्रा। कौन, सुशील चंद्र मिश्रा जो है अभी यहाँ के चेयरमैन है, लेकिन इनका जो टेन्योर है, इनका जो कार्यकाल है वो 30 जून को खत्म हो जाएगा। 30 जून खत्म हो जाएगा तब फिर रंजीत राज जी को अपॉइंट किया जाएगा एज चेयरमैन ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। ओके, अब थोड़ा इनके बारे में बता दें तो जो राज जी है, ये रंजीत राज जी जो है वो अभी किसको डील कर रहे हैं, अभी जो है एमईसीएल को डील कर रहे हैं। अभी एमईसीएल जो है एक मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और जो की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आता है 2018 से अगर हम देखें तो। और इनका जो नाम है वो उसको हटा दिया गया एंटी करप्शन बॉडी से, लाइक सीबीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ओके, सीबीआई देन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो इन सब से इनको हटा दिया गया है। इनका नाम जो है वो एसीसी यानी कि असिस्टेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है, उसमें इनका नाम जो उसके नाम के लिए भेजा गया है। ओके, इतनी जानकारी यहाँ से मिलती है। जो बात करेंगे थोड़ा इनके बारे में तो ये जो है ये एक आईआईटी बॉम्बे के एलुमनस है, जियो साइंटिस्ट है। ये जो रात दी है ये जियो साइंटिस्ट है आईआईटी बॉम्बे से, आईआईटी खड़गपुर और उत्कल यूनिवर्सिटी से, इतने सारे जगह से है ये। और ये जनरल मैनेजर थे इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, काफी सारा इनका मतलब अगर हम इनके प्रोफेशन की बात करें तो काफी ज्यादा है, खैर बहुत लंबा पड़ जाएगा। फिलहाल इतना जानिए कि इसे पूछ सकता है कौन एमडी अभी अपॉइंट होने वाला है, ये याद रखिए। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। हु हैज वन सिल्वर एट स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022। तो अभी बात करेंगे कि स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 जो हुआ था तो उसमें जो है सिल्वर मेडल किसने जीता है, प्रमोद भगत जो है सिल्वर मेडल यहाँ पे जीत हासिल करी है इन्होंने। प्रमोद भागवत की बात करें तो ये जो है एक इंडियन प्रोफेशनल पैरा बैडमिंटन प्लेयर है और ये है कहाँ के, ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट के हैं जो कि बिहार में पड़ता है। ओके, कहाँ से, वैशाली डिस्ट्रिक्ट से जो कि बिहार में पड़ता है। और ये जो है इनको अभी वर्ल्ड का नंबर वन पैरा बैडमिंटन मैन सिंगल SL3 में इनको रैंक मिला है, पहला नंबर मिला है। इन्होंने गोल्ड भी अपना नाम करा है। 2020 का जो समय पैरा ओलंपिक गेम हुआ था मैन सिंगल SL3 में, उसमें उन्होंने गोल्ड हासिल करी थी। अब बढ़े क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या रहा है कि 15 मार्च 2022 इज ऑब्जर्व एज, देखिये 15 मार्च 2022 को हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड कंज्यूमर डे ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे कि इसका थीम क्या है 2022 का, थीम था फेयर डिजिटल फाइनेंस। क्या, फेयर डिजिटल फाइनेंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट व्हिच कंट्री हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स इन 2017 to 2021। देखिए सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए सिप्री की बात करें तो सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च
इंस्टीट्यूट, तो इसने जो है एक रिपोर्ट जारी करी। उस रिपोर्ट में ये पता चलता है कि इस कंट्री ने सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया है आर्म्स का 2017 से लेकर 2021 के बीच में, तो वो है अपना कंदेश इंडिया। ओके, इंडिया ने ये चीज किया है, बहुत ज्यादा आर्म्स को इंपोर्ट किया 2017 से लेकर 2021 तक। ये कोई बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है, ठीक है, आर्म्स का इम्पोर्ट ही किया है ना, सबसे ज्यादा आर्म्स का जो इम्पोर्टर है वो इंडिया ही हो गया। या ये होता है कि भाई एक्सपोर्ट किया है, तो मतलब ये होता है कि हाँ हमने उसको बनाया है, लेकिन ये क्या किया, इसने इंपोर्ट करा, मतलब किसी और कंट्री से लिया गया है सबसे ज्यादा 2017 से लेकर 2021 के बीच में। ओके, खैर इतना समझ में आया, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इंडिया फर्स्ट डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम लॉन्च इन, इंडिया का जो फर्स्ट वाटर बैंक है, फर्स्ट डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम नाम है उसका, उसको कहाँ पर लॉन्च किया गया, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ओके, बेंगलुरु में जो है इसे लॉन्च किया गया है। अब क्यों किया गया है, तो देखिए भाई जो एक्वाक्राफ्ट, ओके, जो एक्वेरियम जो कंपनी बनाती है उसका नाम क्या है, एक्वाक्राफ्ट। ओके, एक्वाक्राफ्ट ये जो कंपनी है, इसके जो चेयरमैन है यानी सुब्रमण्यम कुसनूर जी जो है, उन्होंने ये कहा, ये जो इन्होंने ये डिजाइन करा, ये जो फर्स्ट डिजिटल वाटर बैंक इन्होंने बनाया एक्वेरियम, ये जो है ये एक हब की तरह काम करेगा और बहुत सारा इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करेगा लोगों को। ओके, तो इनका ये प्लान है कि जो 1 मिलियन यूथ को ये क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे, किस एरिया में, वाटर सैनिटेशन, ठीक है, हाइड्रोजियोलॉजी, डाटा साइंस, एक्वेरियम्स के थ्रू, ये सब के थ्रू ये जो है 1 मिलियन यूथ को ट्रेन करेंगे। ओके, और ये जो है ये किस मॉडल पे वर्क करेगा, ये सोशल फ्रेंचाइज मॉडल पे वर्क करेगा। ओके, किस पे, सोशल फ्रेंचाइज मॉडल पे ये वर्क करेगा। चलिए, इतनी जानकारी यहाँ से मिलती है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, आर्ट पार्क सेटअप बाय विच इंस्टीट्यूट। तो देखिए, इंडिया का जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बन रहा है, तो भैया कह रहा है यहाँ पे कि किस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जो है सेटअप किया गया है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc बेंगलुरु के द्वारा ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क जो है सेटअप किया जा रहा है। तो क्या रखेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर है क्या ये, तो देखिए ये जो पार्क है आप देख पा रहे हो, तो ये जो है किसको प्रमोट करता है। अब बात करेंगे कि इतना लागत आई है इसको बनाने में, इस पार्क को, तो 230 करोड़ इसमें लगा है, सेंट्रल और स्टेट दोनों के हिसाब से, ठीक है, दोनों के फंड से ये जो बना है। अब बात करें कि ये जो पार्क है, जो पार्क बनाया गया है, ये मेन काम करेगा क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब ये जो है किसमें बहुत ज्यादा काम करेगा, ये हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में और रिटेल एंड साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में बहुत ज्यादा काम करने वाला है। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उस प्रॉब्लम्स को ये डील करेगा। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है सारी चीजें। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, हु अज्यूम चार्जेस इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू चाइना। अभी हाल ही में इंडिया के न्यू एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है जो कि चाइना के लिए, यानी न्यू एम्बेसडर टू चाइना, तो वो कौन है, वो है प्रदीप रावत जी, इन्हें जो है अपॉइंट किया गया इंडिया का न्यू एम्बेसडर। ओके, ये है इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हु इज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल के अभी हाल ही में चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया, ये क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जी सुखेंदर रेड्डी को जो है अपॉइंट कर दिया गया है अभी के चेयरमैन, कहाँ का, तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल का। ओके, जी सुखेंद्र रेड्डी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, अब थोड़ा इसके बारे में देख लें, तेलंगाना के, तेलंगाना जो है एक साउदर्न स्टेट है इंडिया का। ओके, इसका कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल हैदराबाद है। बहुत बेसिक सा है, बिल्कुल याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। देखिए, मैं हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि आपको इससे रिलेटेड फैक्ट जितने भी हो सके वो आपको बता सकूँ, ताकि आप एक तरीके से रिमाइंड कर सको, कॉल बैक कर सको, आपको याद रहे कि हाँ इससे चीजें, फैक्ट्स क्या आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मान लीजिए ये ना हो कि क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि तेलंगाना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया कि कैपिटल क्या है, तो आपको यही नहीं पता कि कैपिटल क्या है। आपने इससे रिलेटेड सारी चीज जानकारी ले ली है, लेकिन ये नहीं पता कि कैपिटल क्या है, तो फिर तो दिक्कत है ना। इसलिए जो है यहाँ बनाने का मेन पर्पज यही है कि इससे रिलेटेड फैक्ट्स आपको जितना भी हो सके आप उसको दिमाग में रखो। ओके, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार याद रहेगा, है ना। तो तेलंगाना का कैपिटल हो गया हैदराबाद, और यहाँ के गवर्नर कौन है तेलंगाना के, तेलंगाना के गवर्नर जो है वो कौन है, तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, तमिलीसाई सौंदरराजन, याद रखिएगा। अच्छा, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम विच कॉलेज विल ओपन इट्स डोर फॉर गर्ल्स इन इट्स 100 इयर्स ओल्ड हिस्ट्री, यानी 100 साल पुराना वीडियो को तोड़ के कौन सा कॉलेज जो है लड़कियों के लिए भी अपना दरवाजा खोल दिया है और उनका एडमिशन यहाँ पे कर रहा है। तो कौन सा कॉलेज है वो, देहरादून राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज यानी RIMC, इसने जो है ये काम अभी करा है।
अच्छा, तो ये कॉलेज है देहरादून राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो है, इसने अभी काम कराया है। तो आरआईएमसी ने ये डिसाइड किया कि भाई ओपन एडमिशन करेंगे हम गर्ल्स स्टूडेंट का। कब किया ये? जब सेंटर ने ये अलाउ कर दिया कि नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है लड़कियों के लिए ओपन किया जाए, तब ये डिसीजन इन्होंने लिया कि नहीं भाई हम भी जो है गर्ल्स को ये उनके दरवाजा खोलेंगे और वो भी इसमें एडमिशन ले सकती है मिलिट्री कॉलेज में। तो यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, टाटा ग्रुप्स अपॉइंटेड हुम एज चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नटराजन चंद्रशेखरन को अभी जो है टाटा ग्रुप्स ने अभी अपॉइंट कर दिया है एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन। ओके, ये याद रखिएगा। अच्छा, थोड़ा एयर इंडिया लिमिटेड के बारे में जान लें। तो एयर इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ये जो है एक प्राइवेट एंटिटी है। ओके, किसके अंडर में आएगी? टाटा ग्रुप्स के अंडर में आती है ये, इसलिए टाटा ग्रुप्स ने अपॉइंट किया इसको। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में, कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, इतना बेसिक सा चीज याद रखिएगा। और देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट बिल्ड अंडर इंडिया ग्रांट असिस्टेंस वॉज इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री। तो यह क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है जो कि बिल्ड किया गया है इंडिया के असिस्टेंस में, वो किस कंट्री में इनॉग्रेट किया गया है? क्वेश्चन में ये कह रहा है। ओके, तो याद रखिएगा ये जो है ये नेपाल के सोलू खुम्बू डिस्ट्रिक्ट में इसको इनॉग्रेट किया गया है। अब आपको यहाँ पे ये चीज बता दें कि देखिए आपकी जो अभी हम लोगों ने जब 75 ईयर्स ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव जो सेलिब्रेट किया गया था, तो इंडिया का 75 इंडिपेंडेंस डे था। ठीक, क्योंकि 75 साल पूरा होने पर इंडिया ने जो है इंडिपेंडेंस डे मनाया था, है ना। इस साल जो है 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस बना सेलिब्रेट किया गया। तो उस तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया था, 75 प्रोजेक्ट्स जो है उसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, 75 प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था उसी समय जब इंडिया का 75 आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, तो उसी समय 75 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। नहीं, तो उसी 75 प्रोजेक्ट में से आपका एक प्रोजेक्ट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट भी था। तो इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? नेपाल के सोलुखुम्बू डिस्ट्रिक्ट में इसको इनॉग्रेट किया गया है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि यहाँ के पीएम कौन है नेपाल के? तो नेपाल के जो पीएम है वो है शेर बहादुर देउबा। ओके, शेर बहादुर देउबा जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। इनका कैपिटल क्या है? कैपिटल काठमांडू है। तो बहुत बेसिक सा है, आपको यहाँ पता होना चाहिए। तो यहाँ का कैपिटल काठमांडू है, इनका करेंसी नेपाली रुपी है। ओके, इतना बेसिक आपको यहाँ से जाना जरूरी था। अब ये रहे इम्पोर्टेंट आज के करंट अफेयर्स। आगे जाते जाते हम आपको क्वेश्चन ऑफ द डे देते जाऊं कि क्वेश्चन ऑफ द डे कह रहा है कि ऑनलाइन स्किल गेमिंग कंपनी दैट इज गेम्स 24/7 हैज अपॉइंटेड विच क्रिकेटर्स एज देयर न्यू ब्रांड एम्बेसडर फॉर फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म My11Circle। तो ऑनलाइन स्किल गेमिंग कंपनी है गेम्स 24/7, उसने जो है अभी हाल ही में न्यू ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है जो कि क्रिकेटर है, और उनका जो प्लेटफॉर्म है ना My11Circle उसके लिए जो है अपॉइंट किया गया है। तो वो दो कौन से ब्रांड एम्बेसडर जिनको नियुक्त किया गया है, वो क्रिकेटर है, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, आई होप आप इसका कमेंट में ऐसा जरूर देंगे, ये आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही है करंट अफेयर्स, और आपसे मिलते हैं कल के वीडियो में। हम कल करंट अफेयर्स देखेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टे अपडेटेड एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।